नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अयाज खान। इलेक्शन खत्म, एग्जिट पोल शुरू। हर आदमी स्वतंत्र है, वोट देने का अधिकार है, वो किसी को भी दे सकता है, वो कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, वो स्वतंत्र है। मैं मात्र ये कहना चाहता हूं कि आपने जिस नेता को चुना हो या जिस पार्टी को चुना हो और वो जीत रहा हो, वो अच्छा रन कर रहा हो, तो उस अति उत्साह में, उस खुशी में किसी के साथ आप मिसबिहेव ना करें। या आपने जिसको चुना हो वो अच्छा रन नहीं कर रहा है, उस नाराजगी में, उस गुस्से में आप किसी के साथ मिसबिहेव मत करें। मैं यही कहना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन है, हर आदमी का अपना अधिकार है, अपनी सोच है, अपनी क्षमता है, उसके हिसाब से वोट देता है, वोट करता है, तो हमें इस पर किसी से नाराजगी जाहिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र है। गलत यह है कि हम जो है किसी के साथ खुशी में मिसबिहेव कर देते हैं या गुस्से या नाराजगी में मिसबिहेव कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सब एक हैं। एक 5 साल में इलेक्शन आते हैं, कुछ एक मौके के लिए हम जिंदगी में कितनी बार अपने रिलेटिव्स, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों, अपने गांव समाज के लोगों से मिलते हैं, तो हमें रिश्ते नहीं खराब करना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेके पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। कल आपने जिसको चुना, पता चला कि वो दूसरी पार्टी में मिल गया या दूसरे वाले पार्टी इस पार्टी में मिल गया, तो क्या करेंगे आप? तो आपने तो लड़ाई कर ली, अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए ऐसे मामलों में, इन सब चक्करों में कभी भाई साहब आप लोग किसी से ना लड़े, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे हम उम्र हैं या हम हमसे छोटे हैं। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटिक्स को लेके, इलेक्शंस को लेके कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि नेता लोग आज इस पार्टी में हैं, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, तरसों इस पार्टी में, क्या करेंगे आप? कहाँ कहाँ भागेंगे? किससे किस रिश्ता खराब करेंगे? तो इन सब चक्करों में आप लोग बिल्कुल ना आएं। 4 तारीख का इंतज़ार करें और जो होगा अच्छा होगा, बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत को मजबूत कीजिए, क्योंकि हम लोग मिल के रहेंगे तभी हमारा भारत विकास करेगा, तभी हमारा भारत आगे जाएगा। तो लव यू ऑल, जय भारत, जय हिंद।